एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल यूथ सार्थक। आज इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं जनरल नॉलेज से रिलेटेड कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो सभी आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आता है, कौन लोहितवादी के उपनाम से प्रसिद्ध हुए? लोहितवादी कहकर हम किसको बुलाते हैं? गोपाल हरि देशमुख जी को। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय जगदीशपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? यानी कि जब 1857 का जो विद्रोह चल रहा था, तो उस समय सबको नेतृत्व करने वाले जो थे वो कौन थे? वो थे कुंवर सिंह। सल्तनत काल में दरुल शफा क्या होता था? दरुल शफा किसको कहा जाता था? तो एक उर्दू लैंग्वेज का वर्ड है जिसको हम चिकित्सालय को बोलते थे। चिकित्सालय को हम क्या कहते थे? दरुल शफा। दीवाना अमीर कोही नामक विभाग जो कृषि से संबंधित था, किसने स्थापित किया था? दीवाने अमीर कोही, जिसमें कृषि से रिलेटेड सारी जानकारी, सारी चीजें जो उपलब्ध कराई जाती थी, वो किसने स्थापित किया था? वो किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। अकबर ने सर्वप्रथम दक्षिण भारत के किस राज्य पर आक्रमण किया था? अकबर ने सबसे पहले जो आक्रमण किया था वो कौन से राज्य पर किया था? अहमदनगर पर। पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा कौन था? पानीपत का जब तीसरा युद्ध हुआ था, तो उस टाइम जो पेशवा, जो वहां का जो राजा था वो कौन था? वो था बालाजी बाजीराव। अगला प्रश्न आता है, विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किस वंश के शासकों द्वारा करवाई गई थी? विक्रमशिला महाविहार जो थी, उसकी जो स्थापना है वो किन शासकों ने कराई थी? पाल वंश के शासकों द्वारा कराई गई थी। अगला प्रश्न है, तमिल में तोलक पियम किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तोलक कापियम नामक जो पुस्तक है वो किससे संबंधित है? वो है तमिल व्याकरण से, यानी कि व्याकरण जो विषय होता है, व्याकरण है, और ये कौन सी भाषा में है? तमिल भाषा में। सूर्य देवी गायत्री को संबोधित गायत्री मंत्र किस ग्रंथ में है? एक ऐसा गायत्री मंत्र है जो सूर्य देवी को समर्पित है, तो वो है ऋग्वेद संहिता में। औरंगजेब ने किस सिख गुरु को फांसी दी थी? ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है। औरंगजेब ने कौन से सिख गुरु को फांसी दी थी? वो थे गुरु तेग बहादुर जी। अगला प्रश्न हमारा आता है, पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई? पूर्ण स्वराज की जो शपथ थी वो कौन से अधिवेशन में ली गई थी? लाहौर अधिवेशन, और ये 1929 में ली गई थी। अगला प्रश्न आता है, किस वॉइस रॉय की अंडमान यात्रा के दौरान एक कैदी द्वारा हत्या कर दी गई थी? यानी कि इंडिया के, भारत के एक ऐसे वॉइस रॉय हुए थे जिनकी अंडमान पर जाते समय, अंडमान की यात्रा पर उनकी हत्या करा दी गई थी, वो थे लॉर्ड मायो। भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता किनको कहा जाता है? भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता सर चार्ल्स मेटकाफ तथा लॉर्ड मैकॉले को कहा जाता है, तो ये नाम आपको पता होने चाहिए। अगला प्रश्न आता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो थे रास बिहारी घोष। अगला प्रश्न हमारा आता है, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था? कौन से ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने बाल गंगाधर को अशांति का जनक बता दिया था? वो थे वैलेंटाइन चिरोल। अगला प्रश्न आता है, विश्व में सर्वाधिक लवणता किस झील में पाई जाती है? तो वो झील है हमारी बोन झील। अगला प्रश्न आता है, नंदलाल बोस ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? यानी कि नंदलाल बोस जो थे वो कौन से क्षेत्र से संबंध रखते थे? तो वो था चित्रकला। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? वैसे सभी को पता है कि भारत में सबसे लंबी, सबसे बड़ी जो नदी है वो कौन सी है? गंगा नदी। मुगल बादशाह ने किस नवाब की पदवी प्रदान की थी? मुगल बादशाह ने किसको नवाब की जो पदवी है वो प्रदान करी थी? तो वो थी क्लाइव को। बौद्ध धर्म में स्तूप किसका प्रतीक है? क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि बौद्ध धर्म में जो स्तूप है वो किसका प्रतीक है? तो बौद्ध धर्म में जो वो स्तूप प्रतीक है वो महापरिनिर्वाण का प्रतीक है। अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो इसका आंसर है शंकराचार्य जी। भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिक को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार जो है वो
भीमराव अंबेडकर द्वारा जो है वो लिखे गए हैं वो कितने हैं, तो ऐसे 7 मौलिक अधिकार हैं। मुगलों ने नवरोज का त्योहार कहाँ से लिया, मुगल जो नवरोज का त्योहार जो मनाना शुरू किया था उन्होंने वो कहाँ से लिया गया था, पारसियों से। लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी, लिंगराज नामक जो प्रसिद्ध मंदिर है उसकी जो नींव थी वो ययाति केसरी जी ने रखी थी। आज के सेशन के लिए इतना ही, अगले सेशन में हम और बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर आएंगे, तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल यूथ सार्थक एंड कीप इन टच।